नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहती नगर के पास से अपराधियों ने जमीन कारोबारी भोला शाह के साथ मारपीट कर अपहरण का प्रयास किया, जबकि भोला शाह से अपराधियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी की भी मांग की। हालांकि जमीन कारोबारी किसी तरीके से अपने आप को किडनैपर के चंगुल से बचाते हुए वहां से भागने में सफल रहा। वहीं इसके बाद जमीन कारोबारी ने इसकी जानकारी थाने में दी और मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबारी शाम के समय मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए मोती नगर के पास आया था, तभी 2 हथियारबंद अपराधियों ने उसे किडनैप करने का प्रयास किया और पास की गली में ले जाकर उसकी पिटाई भी की। वहीं भोला शाह ने बताया कि एक बार पहले भी उसके अपहरण का प्रयास किया गया था। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम मोदी नगर चौक ने कहिए दुर्गा स्थान के आगे एक रिचार्ज का दुकान है, ऋषि चाक, उसी के सामने मिर्जान हाई स्कूल जाने का रास्ता है, वहीं पर हम रिचार्ज कराने गए थे। तब तक वो छोड़ा जो है उधर से आया, पहचान लो यहाँ बजाने जी की बात बोल, तोरा फोन कर लें झले हमरे भाई, तो की बोले तोरा नहीं चिन्ह चाहिए। तब तक सामान निकाली सर, सटा दी, उसके बाद घिसते घिसते हमको बोला चल साइड, चल साइड। साइड ले जाने के संबंध में जो है गली घुसा, गली के बाद 150 फीट अंदर ले घिंच के हमको पाँव जुटा के लिख चला और बोला 5 लाख रुपया तुम दोगे। और उसके बाद हमारे गला में सोना का चैन था, एक रुद्राज वाला था गुथा हुआ, एक सोना का चैन था। सोना का चैन तो हम झपा झपी होने लगा तो हम पकड़े, तो एक टुकड़ी हमारे हाथ में रह गया, बाकी सब उस लेकर चला गया। रुद्राज वाला भी घिंचा घिंची करने लगा तो उसके हाथ में जितना सा था पकड़ा वो तो उसके हाथ में रह गया, बड़ा वाला साइज मेरे हाथ में रह गया। उसके बाद बोला कि वार्निंग है, 5 दिन के अंदर 5 लाख रुपया पहुंचा दूँ नहीं तो तुमको गोली मारेंगे। कुछ आदमी है मेरे भीतर से जो कि वो लोग करवाना चाहता है, वो लोग के इशारा पे ये सब हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा की ओर से मनाए जा रहे स्वास्थ्य सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को सबौर भिट्टी स्थित प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीण स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि भागलपुर सांसद अजय मंडल, विशिष्ट अतिथि महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी, डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं हेल्थ चेकअप कैंप के दौरान आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संजय सिंह ने की, जबकि मंच संचालन डॉक्टर मनीष कुमार ने किया। इस दौरान मंचासीन अतिथियों में भागलपुर के चर्चित और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SN झा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार, स्वास्थ्य सप्ताह के सचिव डॉक्टर सतीश और डॉक्टर फारूक ने स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अपनी बात ग्रामीणों के बीच रखी। वहीं शिविर को संबोधित करते हुए सांसद अजय मंडल ने डॉक्टर्स की भूमिका पर अपनी बात रखते हुए कहा कि डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होते हैं। सांसद ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर में लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है, जबकि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाकर उपलब्ध संसाधन से इलाज किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार संसाधनों के अभाव में डॉक्टर मरीजों का सही ढंग से इलाज नहीं कर पाते हैं, लेकिन सबौर भिट्टी में IMA द्वारा इस तरह का शिविर लगाना सराहनीय पहल है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल के मंच के जीर्णोद्धार के लिए सांसद कोष से 13 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। हेल्थ कैंप में डॉक्टर RP जायसवाल, डॉक्टर भारत भूषण, डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर कुमार रत्नेश और डॉक्टर अजय सिंह ने अपने अपने विभाग से संबंधित इलाज की जानकारी लोगों को देते हुए कई सावधानियों के बारे में भी बताया। इधर स्वास्थ्य जांच शिविर में सबौर और आसपास के कई गांवों से पहुंचे करीब 500 ग्रामीणों की जांच कर निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई गई। मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन के अलावा कई तरह की जाँच चिकित्सकों ने की, जबकि इसके अलावा जरूरत के अनुसार कई मरीजों की थायराइड समेत कई टेस्ट भी किए गए। इस दौरान सदर अस्पताल के NCD विभाग की ओर से कैंसर की जांच और बचाव से संबंधित जानकारी दी गई। शिविर में डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर संदीप लाल और डॉक्टर आरोही अभिनव समेत शहर के कई चिकित्सक ने अपनी सेवा प्रदान की। वहीं इससे पूर्व IMA हॉल में हेल्थ वीक प्रोग्राम के 5वें दिन हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आरोही जायसवाल की 3 वर्षीय पुत्री अभिषा अदिरजा को बेबी शो में प्रथम पुरस्कार दिया, जबकि श्रेयांश रॉय और अधिका को द्वितीय
द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा वरिष्ठ मदर का पुरस्कार मनीषा कुमारी को दिया गया। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं, अभी IIME भागलपुर ब्रांच द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। ये हम लोग 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मना रहे हैं। इस क्रम में पहले दिन 4 अप्रैल को हम लोगों ने कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया था और उस जांच शिविर में एक वक्ता भी थी, डॉक्टर निधि, जो कोलकाता के चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट से आई थी। इस क्रम में अगले दिन दिनांक 5 को सुबह हम लोगों ने वरीय नागरिकों के लिए सीनियर सिटीज़न एक कैंप रखा था IIME हॉल में, और उसके अगले दिन 6 तारीख को हम लोगों ने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में एक अर्बन हेल्थ अवेयरनेस कैंप रखा था, जिसका उद्घाटन वहाँ के कुलपति DR सिंह ने किया। और उस दौरान वहाँ के सभी जितने छात्र हैं उन लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया यहाँ IIME भागलपुर के डॉक्टर्स ने। नवगछिया SP शांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई कांडों का उद्भेदन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP ने बताया, बीते 6 अप्रैल की दोपहर गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त सुमन कुमार उर्फ फंटूस कुमार पड़ी अलालपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ देखा गया है। SP ने बताया कि इसके बाद प्रवक्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और अभियुक्त को अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ दबोच लिया गया। साथ ही कहा कि सुमन कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा और भी कई मामलों का खुलासा करते हुए SP ने कहा कि गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई गांव भमरा के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति को जांच करने पर उसके पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद फारूक के रूप में हुई है। इसके अलावा चोरी और शराब से जुड़े मामलों की भी जानकारी SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इधर SP शांत कुमार सरोज ने कहा कि सभी मामलों के उद्भेदन में शामिल टीम के अधिकारियों और जवानों को विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये है कि 5 अप्रैल लक्ष्मण शर्मा एंटी मार्कर बस मिट्टी में आग लगाने के लिए अवसर मारपीट हुआ था, कान दर्ज करके बात कान दर्ज कराए वहाँ के एक प्रदीप मंडल है, उनके ऊपर कांड दर्ज कराए थे। तो पुलिस फिर 6 तारीख को शाम में गई थी सत्यापन करने के लिए, तहकीकात करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। तो फिर वो जानकारी उसे मिला कि प्रदीप मंडल के घर में जो अपराधी छिपे हुए, वो महिला पुलिस भी साथ में थी। घर जाने में जो गृह थे, जो प्रदीप मंडल का जो परिवार लोग है उनका क्या करना है, घर में कोई पुरुष नहीं, इसलिए आपको इंट्री करने नहीं दिया पुलिस को, जबकि महिला पुलिस हम लोगों के साथ में थी। पुलिस का बोलना है कि फिर वो जो उन्हें जो अफवाह बनाया कि बच्चे साथ ने मारपीट किया, जो 6 दिन का बच्चा था, हमने पूछताछ किया पुलिस से, कोई इनकार किया, खैर तो भी हम जांच कराएंगे। पब्लिक का ये शिकायत है कि पुलिस के द्वारा 6 दिन का बच्चा है उसके साथ मारपीट हुआ है या किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी हुआ है, वो भी हम जांच कराएंगे। आयुर्वेद कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं के लिए आयोजित पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के दूसरे और अंतिम दिन आयुर्वेद को आगे बढ़ाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान पूर्ववर्ती छात्रों ने कहा कि अंग जनपद की चंपा नगरी आदिकाल एवं पौराणिक काल से ही व्यापारिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक और चिकित्सा के उत्थान की केंद्र रही है, जबकि पुरातत्व सभ्यता और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी इसकी पहचान रही है। इसको लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह में शामिल होने देश के कई राज्यों से पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं पहुंचे, जिसमें कई पूर्ववर्ती छात्र छात्रा देश के अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पदों पर सेवारत है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति जन जागरण फैलाना है और कोरोना काल में आयुर्वेदिक दवाइयां रामबाण साबित हुई थी। वहीं गोरखपुर से आए 1985 बैच के पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि आयुर्वेद बीमारी के मूल को पकड़ती है, जिससे उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सके। इसके अलावा कई चिकित्सकों ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारी के इलाज से संबंधित जानकारी भी साझा की। पूर्ववर्ती छात्र मिलन का आयोजन किया गया है। हमारे जो जितने भी डॉक्टर छात्र यहाँ से पढ़े हैं, भारतवर्ष और पूरे देश के कोने कोने में अच्छे डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित हैं,
उन लोगों का आज यहाँ पर पूर्ववर्ती छात्र मिलन किया। यह पहली इस तरह का मिलन बनारस में हुआ था, वहीं पर यह तय हुआ कि भागलपुर में हम लोग जो है दूसरी मीट करेंगे, जिसकी परिणति आज कोरोना काल के चलते थोड़ा लेट से हुआ, लेकिन हम आज जो है 8 और 9 को कर मिल सकते। और सबसे बड़ी और खुशी की बात है, सारे छात्र जो उत्साहित होकर के अपने क्योंकि यहीं से पढ़े लिखे रहे ना। देखिए, मुख्य रूप से डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जिसके बीपी और शुगर कह रहे हैं, एक तो हेरिडिटी होता है जन्मजात, जो पेरेंट्स से चले आते हैं, एंड सेकेंड होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। तो एलोपैथ के द्वारा उसको रिड्यूस तो कर दिया जाता है, मेंटेन तो रखा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के साथ साथ योग का, योग और आयुर्वेद दोनों एक कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद में योग एक चैप्टर भी होता है जो पढ़ाया जाता है। योग से मतलब होता है कि उस 24 घंटे की आपकी दिनचर्या और रात्रिचर्या, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है, कैसे टॉयलेट करना है, कैसे कपड़े किस मौसम में पहनने, यानी सारी जो है प्रक्रिया 24 घंटे की उसमें रहती है। यदि आप लाइफ स्टाइल मेंटेन रखते हैं, खान पान दुरुस्त रखते हैं, तो आपको एक तो ये रोग होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नई कमेटी के गठन के साथ ही पार्टी में विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पार्टी के नए जिलाध्यक्ष संतोष कुमार द्वारा गठन किए गए कमेटी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक शनिवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता घनश्याम पाल, उमा भूषण और पप्पू तांती ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के द्वारा गठित किए गए कमेटी में जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करने का आरोप लगाया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस कमेटी में कई ऐसे नेता शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों से एक पद पर विराजमान हैं, जिसके कारण संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। साथ ही कहा कि इसको लेकर पिछले कई चुनाव में पार्टी की हार हुई है। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने कहा कि जब तक जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वे सभी नई कमेटी का विरोध करते रहेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से कहा कि वर्तमान जिलाध्यक्ष संतोष कुमार भागलपुर में वैश्य और ब्राह्मण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही बैठक में शामिल सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमेटी में बदलाव कर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जगह नहीं देने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात कही है। भाजपा की तरफ से नहीं रहा, और जो वैसे व्यक्ति को जोड़ दिया गया है जो कि बार बार 2-3 बार उस टीम में रह चुका है, उसी को फिर से उसमें जगह दे दिया गया। और जो जमीनी कार्यकर्ता हम लोग हैं, हम लोग को इस जिला टीम में जगह नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और हम लोग असंतुष्ट महसूस करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से जमीनी स्तर पर हम लोग काम करते आ रहे हैं। उस समय जिस समय दक्षिणी खंड में लोग डर के मारे झंडा नहीं उठाते थे, उस समय से हम लोग 1995 से सक्रिय रूप से हम लोग पार्टी में आए, और हम लोग ने 5 बार यहाँ से भागलपुर से विधायक बना के भेजे, और आज हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष के द्वारा जो ये कमेटी बनाई गई है उसमें ऐसे सारे लोग हैं जो 3-3 टर्म रह चुके हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस,
शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्रा आगे भविष्य में कैसे अपना करियर सवार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसको लेकर भागलपुर के माछीपुर स्थित मेगा कोचिंग सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के डायरेक्टर चंदन कुमार द्वारा आमंत्रित किए गए शाक्षक स्थित डेस्टिनी कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर और IT स्पेशलिस्ट दीपक कुमार ने वहाँ मौजूद छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को कंप्यूटर के महत्व और उससे जुड़ी कई अहम जानकारी दी। साथ ही दीपक कुमार ने प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को कंप्यूटर से जुड़ी तकनीकी जानकारी देकर समय के अनुरूप कंप्यूटर के बढ़ते महत्व के बारे में बताया। साथ ही कहा कि भविष्य निर्माण में शिक्षा के साथ कंप्यूटर भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो गया है। इस दौरान मैट्रिक और इंटर में पास हुए छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गया के बाघमारा की SI गुड़िया कुमारी ने भी बच्चों को भविष्य में अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूरी जानकारी साझा करते हुए बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में अलग अलग विषय के शिक्षकों ने भी बच्चों को अपने विषय से संबंधित जानकारी दी। मन संचालन विश्वनाथ पाठक ने किया। मौके पर अजय कुमार, मनजीत सिंह, मोहम्मद इब्रार आलम मौजूद रहे। एक और देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दस्तक देने के साथ ही लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है, जबकि दूसरी ओर इससे बचाव को लेकर लगातार केंद्र और राज्य स्तर तक बैठक का दौर जारी है। वहीं भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत सरधो गांव में संक्रमण से बचाव को लेकर लोग भगवान की भी शरण ले रहे हैं। दरअसल सरधो गांव के समाज सेवी और भाजपा नेता सुगंध झा उर्फ सिक्की झा ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरियंट से बचाव को लेकर गांव में भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कराया है, जिससे लोगों के मन से कोरोना वायरस का भय समाप्त हो सके। इसको लेकर मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें अंग प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित पंकजाचार्य जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन दिया गया। वहीं इसको लेकर समाजसेवी सुगंध झा और सिक्की झा ने कहा कि जिस तरह दोबारा भारत सहित पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए समाज के साथ पूरे देश की रक्षा के लिए गांव में बजरंग बली मंदिर निर्माण कर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। ये सारा आयोजन जो है ग्रामीणों के द्वारा ही किया गया है, हम तो सिर्फ एक मोहरा है। कल भागवत कथा में सामूहिक हवन है पूरे पंचायत के सभी महिलाओं, सभी बुजुर्गों से बच्चों के साथ। वैश्य मंथन संस्था भागलपुर की ओर से रविवार को शहर के पटेल बाबू रोड स्थित लाल हॉस्पिटल परिसर में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सुबोध विश्वकर्मा ने की। इस दौरान वैश्य समाज के लोगों ने अपनी बात रखते हुए भामाशाह की जयंती को लेकर विस्तार से चर्चा की और सभी को अपने समाज के पुरोधा और नायकों के बारे में जरूरी जानकारी होने की बात कही। इसको लेकर संस्था के संयोजक नीरज कुमार ने बताया कि आगामी 24 अप्रैल को भागलपुर में भामाशाह की जयंती मनाने और उसकी तैयारी के लिए यह बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर बैठक में आयोजन समिति का भी गठन किया गया। उन्होंने बताया कि भामाशाह के विचारों के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में समाज के लोगों को जानकारी साझा करना उन सभी का उद्देश्य है, जिससे सभी लोग अपने नायकों के बारे में जानकर गर्व का अनुभव कर सके। वहीं बैठक में शहर के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े वैश्य समाज के लोगों ने अपनी बात रखते हुए कई सुझाव भी दिए। मौके पर डॉक्टर बिहारी लाल, अविनाश कुमार, अजीत कुमार, सोनू समेत कई पुरुष एवं महिलाएं मौजूद रहीं। वैश्य मंथन का बैठक है और भामाशाह जयंती को मनाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। आज हम लोग भामाशाह जयंती समारोह के लिए एक आयोजन समिति का गठन करेंगे। इसको लेकर के वैश्य समाज के तमाम उपजातियों का लोग आज बैठक में उपस्थित हुए हैं और यही चर्चा चल रही है कि हम भामाशाह जयंती किस तरीके से मनाएं और इसको लेकर के कैसे जो है हम भामाशाह के विचारों को, भामाशाह के जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उसको कैसे हम जो है जन जन तक यानी वैश्य समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।